चलें बताता हूँ। तो ये भी हम ये वाला यूज कर रहे हैं, कार्ड बनाएंगे किस तरह से बनता है ये कार्ड। तो एक साइड हम बनाएंगे तो दूसरी साइड इसकी फिर खुद ही निकल आएगी इससे, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेंगे कुछ शेड्स हैं, डार्क ब्लू है, फिर नेवी ब्लू है ये, वो ज़्यादा डार्क है, फिर ये ग्रे है, फिर वाइट है, फिर ये इसी के साथ का कलर है। तो अगर आपके पास डिज़ाइन मौजूद हो और आपको कलर निकालने हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि फोटोशॉप में पहले इसका साइज़ ले लें यहाँ से। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसका साइज़ इंचिस के अंदर। तो फोटोज़ में चले जाते हैं, 2.3 बाय 3.6 कर लेते हैं और उसकी रेजोल्यूशन 100 पर डाल के ओके कर देते हैं। ये साइज निकला है, इसको अनलॉक करके ओके करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। यहाँ से चले जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में, क्लिक करते हैं यहाँ पे पीएस फाइल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम चले जाएंगे इनवॉइस के फोल्डर में और यहाँ जाके हम इसको सेव करेंगे। जो आज की हमारी क्लास है आई नहीं रही इसमें तो कुछ भी, अच्छा पीडीएफ में आ रहा है, पीएसडी पे क्लिक करके। तो क्लास 14 और ब्लू सर्किल विजिटिंग कार्ड, उसको ओके करके इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम ओके कर देंगे तो ये हमारे सामने आ रहा है। अब इसको किस तरह से करना है पहले इसको थोड़ा सा डील करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो एक ये इस तरह का शेप है, फिर दूसरा शेप है, फिर तीसरा शेप है, फिर चौथा शेप है, फिर पांचवा शेप है। यानी कि कुछ इस तरह का काम है कि पहले जैसे कि इसके अगर हमें कलर्स चाहिए तो मैं इसी फाइल को यहाँ फोटोशॉप में ले आता हूँ। यहाँ से क्लिक करके फोटोशॉप में ले आते हैं ये फाइल, यहाँ रख लेते हैं, ये आ गई फाइल। इसके अलग से लेयर पर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाके इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसको अप्लाई कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, करना सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे तीन चार शेप बना लेने हैं आपने। तो एक शेप बनाते हैं पहले इसके ऊपर, एक स्क्वायर शेप ले लेते हैं हम इसके ऊपर यहाँ पे, और एक शेप बना के हम इसे रख लेते हैं। अब इसमें जो कलर हमें लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। यहाँ से ये आई ड्रॉपर ले लेना है, आई ड्रॉपर लेके कौन सा कलर लेना है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे, ये कलर पिक हो गया। तो ये कलर पिक हो गया तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और फिर इसको शेप पे जाके इसके अंदर यहाँ से जाके क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसको ओके कर देंगे, ये इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलर हमें मिल गया, कंट्रोल जे करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। और दूसरा कलर कौन सा चाहिए, वो ये चाहिए, तो फिर यहाँ से लेंगे दोबारा से ये वाला टूल, बल्कि आसान कर लेते हैं। तो अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये टूल एक्टिवेट है, क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे, तो दूसरा कलर ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये दूसरा कलर हमने यहाँ पे इसके साथ ले लिया इसकी स्कीम का। फिर यहाँ से कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया, तीसरा कलर हमने यहाँ से ले लिया इसके साथ, और तीसरा कलर इसमें ये वाला। तो यही डबल क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ से इस पर क्लिक किया और उसको क्लिक करके ओके कर दिया, ये कलर इस पर अप्लाई हो गया, सेव कर दिया। तो उसके बाद ये ग्रे कलर है, तो उसके बाद यहाँ से हमने क्लिक किया, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट किया, ये चौथा कलर आपने इसके साथ ले लिया, डबल क्लिक किया यहाँ से और उस पर क्लिक किया तो ये तीसरा कलर भी इसके साथ अप्लाई हो गया, कंट्रोल एस करके हो गया। यही चार कलर हमें रिक्वायर्ड थे, आप ऐसे करके कलर पहले से ले लें। अब इसको भले इनविजिबल कर दें, इसका कोई काम नहीं है, इसको उठा के नीचे रख दें, भले यहाँ पे ऐसे नजर आ जाएगा आपको, बैकग्राउंड के भी नीचे रख दिया। अब ये जो चार कलर हैं ये तो आपने लिए अपने काम करने के लिए कि भाई ये मुझे एक दो तीन चार पाँच कलर की जरूरत पड़ेगी, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। तो ये चार कलर आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ये कार्ड हमारा यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे देखते रहते हैं। अब सबसे पहले एक डिज़ाइन इसके ऊपर हमें निकालना है, तो वो डिज़ाइन निकालने का तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे और इसके ऊपर हम एक ब्लू कलर कर देते हैं, डार्क ब्लू कलर। तो अब कलर कैसे लेंगे, भाई यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर पिक हो जाएगा, क्लिक करके ओके करेंगे, कलर इसके ऊपर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और कलर लेना है, अब वो जो कलर लेना है वो ये ब्लू वाला इस तरह से लेंगे, वो इसका क्रॉस करें इसको इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसको न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे और लेयर को उठा के यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से क्लिक करके एक सर्किल लेंगे, यहाँ से ट्राई करते हैं पहले सर्किल से और यहाँ पे क्लिक करके इसे लेते हैं। तो यहाँ पे सर्किल को इस तरह से बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से सर्किल को रखा और सर्किल बना के हमने इसके अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से क्लिक करके ये वाला कलर इसके अंदर लेना है जो कि ये सिलेक्ट किया हुआ है, क्लिक करेंगे ओके करेंगे, ये इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, स्ट्रोक को इसके नो लाइन कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब इसको सर्किल को कुछ इस तरह से रखते हैं कि ये ऐसा नज़र आए, यानी कि ये साइड थोड़ी नीचे हो, ये साइड थोड़ी ऊपर हो। तो अभी हमारी ये साइड ऊपर हो रही है, ये साइड नीचे हो रही है, तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये साइड नीचे हो गई और वो साइड ऊपर हो गई। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह का शेप निकल आया, सही है। ऐसे डिज़ाइन बस वो अपना अपना आइडिया है, तुम्हारा कुछ जहन में आता है तुम वैसे कर लो, पेन टूल, हाँ पेन टूल से कर लो। तो ये हमने एक सर्किल से इस तरह का एक इस पर आइडिया लगाया, तो ये हमारा एक काम इस पर निकल के आ गया, ठीक है। थोड़ा नीचे करना है, ऊपर करना है, तो वो यहाँ पे इजीली हम कर सकते हैं। हाँ ये देखो ना, ये सही तो आ रहा है, मेरे हिसाब से सही हो रहा है। यहाँ पे 1 इंच का गैप है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप है,
यहाँ ने ज्यादा थोड़ा रखा है, यहाँ पे ज्यादा गेप रखा है, पास से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसी सर्किल का एक और डुप्लीकेट लिया कंट्रोल जे करके, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे कंट्रोल जे किया, एक और डुप्लीकेट लिया, उसके अंदर कलर ये वाला भरना है, तो डबल क्लिक करके हमने ये वाला कलर यहाँ से पिक कर लिया और इस पर अप्लाई कर दिया। अब इसको उठा के फिर नीचे लेकर आते हैं, अब इसमें ये थोड़ा यहाँ से छोटा है और यहाँ से बड़ा है, तो इसको थोड़ा और इस साइड पर ले जाते हैं, यहाँ से छोटा हो गया और यहाँ से ये बड़ा हो गया, तो इस तरह का शेड ये इस तरह से इसमें से निकल आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और करना है तो फिर थोड़ा और इधर लेना पड़ेगा, तो जितना इधर लेते जाएंगे ये बड़ा होता चला जाएगा, इस तरह से कितना बड़ा आपको निकालना है वो इस हिसाब से यहाँ पे देख लें, सर्किल को थोड़ा बड़ा भी करना पड़ सकता है तो उसके हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लिक करेंगे, फिर एक और सर्किल ले लेते हैं इसके ऊपर, उसमें फिर ये हो गए ना तीन कलर, एक दो तीन, उसके बाद चौथा कलर ग्रे कलर का निकलेगा, तो इस पर क्लिक करके चौथा सर्किल जो हमने लेना है, एक दो तीन, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा चौथा ये हो गया। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये ग्रे कलर उस पर लगा देते हैं हम, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला कैसे निकलेगा, अब ये देखें इस पर ऐसे निकलेगा कि ये ब्लू के नीचे आएगा इस तरीके से, ओके, और यहाँ पे ब्लू को ज़्यादा ये घुमाएगा और ये थोड़ा आगे निकल के भी आएगा, तो आगे तो खैर क्या निकलेगा, लेकिन ब्लू को ज़्यादा इसको डिस्टेंस देना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रख के, हाँ वो जो नीचे वाला बन रहा है ना, अब ये इसके अंदर ये थोड़ा सा हमें एक चैलेंजिंग थोड़ा सा लग रहा है कि इसके ऊपर कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा आगे लेकर आते हैं, तीन शेप तो निकल गए, चौथे में थोड़ा सा मसला आया इसके ऊपर, ये कि ये ऊपर जाएगा, एडिट में जाके इसको मैं डिस्टॉर्ट करके देखता हूँ, बन जाएगा बन जाएगा। ये तो मैं थोड़ा सर्किल से ट्राई कर रहा हूँ, वरना दूसरे तरीके से तो कब का बना देता मैं इसको, सर्किल के हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको, वरना ये दूसरे तरीके से तो मैं कब का बना देता इसको, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा एक नई टेक्निक के जरिए इसको करने की कोशिश करें, हालांकि ये थोड़ा आसान पड़ रहा है ना बने बनाए शेप से, ये निकल आया शेप देखें, हो गया ना सेट, हो गया ये वो, इसलिए नहीं हो रहा, व्हाइट कलर डालेंगे तो शो होगा ना, ये देखें ये ऐसा ऐसा निकल गया। अब ये व्हाइट कलर जो है ना डालेंगे तो ग्रे कलर शो होगा, समझे मेरी बात, ये व्हाइट नहीं है ग्रे, ये आपने अब क्या करना है आगे देखना है, नहीं, अब इसका ही कंट्रोल जे लेंगे, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसमें व्हाइट डालेंगे हम इसमें इस तरीके से, अब ये देखें ऐसे एक सर्किल लगाना है कि ये पूरा नजर आएगा, तो इसको अब असर थोड़ा आसान है हमारे लिए काम करना, कंट्रोल टी दबाएंगे, हाँ इसको ऐसे घुमाएंगे ना ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ये देखो निकल आया, हाँ ये देखो ना किसको, ये देखो ना यहाँ से ऐसे गोल घूम के आ रहा है, अच्छा इसको ज्यादा गोल करना है तो फिर इसे बड़ा करना पड़ेगा इसको, फिर इस पे ऐसे घुमाना पड़ेगा इसको, सही है ना, ये लो आपका डिजाइन निकल आया इसमें से, समझ में आई बात, ऐसा डिजाइन निकाल लिया हमने इसमें से। अब बाकी ये रह गया सामान इसके अंदर, और ये बाकी छोटे मोटे सर्किल इधर बना, तो पहले इस वाले काम को कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ से हम क्लिक करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और नया लेयर ऐड कराएंगे और उसमें एक सर्किल बनाएंगे। अच्छा अब आइडिया नहीं होता कितना बनाए सर्किल, तो क्लिक करके 100 बाय 100 का एक सर्किल डाल दें, वैसे ही सही बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, 100 पिक्सल का एक सर्किल निकल आएगा, इसको क्लिक करें कंट्रोल के साथ इस लेयर के ऊपर और इसके साथ दोनों लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे, इनको सेंटर करेंगे यहाँ से, और इसके बाद सेंटर करने के बाद ये बीच में आ जाएगा, जब इस पर क्लिक करके इसको टॉप साइड पर रखना है, यानी कि आधा उस पर निकलता हुआ जाएगा बाहर, ये तो ये ऐसे करके बनेगा इसके ऊपर, ठीक है ना, तो नीचे से लोगो वगैरह थोड़ी चीज़ें इस पर आ जाएंगी, ये इस तरह से करके बन जाएगा, सही है, क्या चीज़, हाँ हमारा ब्लू वाला थोड़ा बड़ा हो गया, चलो खैर डिज़ाइन में फिर से चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन ये है कि डिज़ाइन तो डिज़ाइन है, अब इसके तो वैसे ही छुप जाएगा इसके पीछे आके, ब्लू वाला इसका थोड़ा पतला है, हमने थोड़ा मोटा रख लिया, यहाँ से थोड़ा पतला होता और नीचे आके थोड़ा सा चौड़ा होता, हमने यहाँ से पतला करके यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया, इधर भी ऐसे ही एक हमें थोड़ा सा सर्किल के अंदर थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो ये चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है,
ठीक है, अब इसके अंदर एक ब्लू वाला एक कलर डालना है, तो इस पर डबल कौन सा, हाँ ग्रे वाला आखिरी वाला ना, वो प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूवमेंट आ गई ना उसके अंदर, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करके यहाँ से इसके ऊपर कलर लगाएंगे ये वाला, क्लिक करके इसको ओके करेंगे, तो ये देखें इसके अंदर फिल हो जाएगा स्ट्रोक, यहाँ से हम इसके अंदर खत्म कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं तो ये स्ट्रोक इस पर अप्लाई हो गया। अब उसके बाद इसमें एक और सर्किल लेना है, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट करेंगे, तो ये इस तरह से हमारे क्या आएगा, क्लिक करेंगे अप्लाई करेंगे, इसमें ये ग्रे कलर लगा रहा है तो ये वाला कलर लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ओके करके, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखेंगे ये कलर इस तरह से। अब इसके साइड में ये जो शेड आ रहा है वो कैसे आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन पर, क्लिक करके यहाँ से हम जाएंगे इसमें और यहाँ से लगाएंगे इसके ड्रॉप शेडो। अब यहाँ पे ड्रॉप शेडो लगाएं, आउटर ग्लो लगाएं इसके ऊपर, आउटर ग्लो लगा के यहाँ पे क्लिक करें, क्या क्लिक करें, हल्का ग्रे कलर लें यहाँ पे क्लिक करके, डार्क ग्रे कर दें बल्कि इसको, ऐसा करें और इसको इस तरीके से इसकी जो साइज है इसको एक्सटेंड करें, स्प्रेड बढ़ाएं इसका, इसको नॉर्मल कर दें, नॉर्मल करके अब बढ़ाएं, ठीक है अब बढ़ा तो रहे हैं, इसका स्प्रेड बढ़ाएं, ये ऐसे हो गया। अब इसको हल्का कर दें यहाँ से आप सेटिंग में, ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा इसको और हल्का कर दें, सही है, बिल्कुल ऐसा निकल के आ गया। तो ये चीज़ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब बीच में एक फोटो लगाना है, फोटो जो लगानी है कंट्रोल एस करके सेव कर लें, कंट्रोल ओ करके ओपन कर लें, जो फोटो लगानी है डॉक्यूमेंट्स में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें लेटेस्ट के ऊपर, क्लिक करके यहाँ से कुछ बनाए हुए होते हैं, कुछ फिर बना रहे होते हैं, ठीक है ना। देखता हूँ कौन सा ऐसा कार्ड है जो बच्चों को हेल्प कर सकता है कोई चीज़ बनाने में, वो कार्ड लेके मैं उनसे बनवा लेता हूँ। तो उसमें फिक्स नहीं आएगी ना, सही, इसमें तो हम कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, यहाँ ले जाके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे, फिर कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट करेंगे, तो फेस का एरिया ही लेना है ना हमें इसके ऊपर, ये देखो बिल्कुल फिक्स आएगी इसके ऊपर, ये कैसे आई, इसके ऊपर उठा के ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके अप्लाई करेंगे और इसको उठा के इस पर रखेंगे, क्लिक करेंगे राइट बटन दबाएंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, ये देखिए। इसके बाद एडजस्टमेंट भी तो हमारे पास है, कंट्रोल टी करके इसका फेस और फोकस करना है, ये और फोकस हो गया, और फोकस करना है, और फोकस हो गया, क्लिक किया यहाँ से अप्लाई कर दिया, क्लिक करके यहाँ से एरो कीज की मदद से इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, और फोकस करना है कंट्रोल टी करके और बड़ा कर दिया इसको, क्लिक किया अप्लाई कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा आगे करना है, पीछे करना है, ऐसे एडजस्ट कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, ऐसे करके। ये फीचर फिर उसमें नहीं मिलेगा ना हमें, तो इस तरह से ये कार्ड आपका ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब उसके बाद करना ये कि बाकी नाम वगैरह लिख लेना, कौन सा वाला, अब ये तो खुद बना ही लेगा यार, अभी इसको भी बना के बताऊंगा मैं, इतना मुश्किल क्या। अब भाई इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने स्कीम के तौर पे लिया था ना, ऑफ करते हैं, पढ़े रहे वाले इसमें, मतलब का बताने का, इसमें समझाने का मकसद ये है कि इस तरह से कलर स्कीम पहले रख लोगे तो बार बार कलर को आसानी होगी, ठीक है ना, इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब इस कार्ड का एक ऐसा रिफ्लेक्शन के साथ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने के बाद इमेज साइज में जाके इसके रेजोल्यूशन को 300 कर देंगे, तो 300 के रेजोल्यूशन के थोड़ा सा शार्प हो जाएगा और एक्टिव नजर आएगा, और अगर ज़्यादा करना है तो जाके इसको 600 कर दो, ठीक है, तो फिर इसकी 600, लेकिन कंप्यूटर इस पर हैंग बहुत करने लगेगा, ये जहन में रखिएगा बात, तो कंप्यूटर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए तो वो इस पर काम कर जाए, तो इस तरह का डिज़ाइन आपका बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे, फाइल में जाके इसको सेव एज करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से PNG का ऑप्शन लेंगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट में नॉइस में चले जाएंगे, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल V1 हमें इसका नाम रख दिया, ठीक है, V1 नाम रख के हमने इसको ओके कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया, ये एक फाइल हमारी सेव हो गई V1 के नाम से PNG में, ठीक है, PNG में सेव हुई है, ठीक है। फिर इसको हमने ये सर्किल वाला जो मामला है इस पर से ऑफ कर दिया इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दूसरे पे सर्किल नहीं है, ठीक है, और उसको फिर यहाँ से सेव एस किया और सेव एस करके हमने इसको रखा V1 के नाम से भी जो सेव किया है, ऑल फाइल्स करके देखो जरा, PNG सेव हुई है, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ से PSD पे हमने क्लिक किया और उसको विजिटिंग कार्ड बैक साइड पे इसको सेव कर दिया, बैक साइड पे सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब बैक साइड पे जब सेव किया इसको तो उसकी सेव एज करके एक PNG बनानी है हमें यहाँ पे क्लिक करके, और उसका नाम रखा हमने V2, ठीक है, ओके कर दिया, और मतलब टेक्स्ट वगैरह लिख के फिर आपने इसको करना है। अब आपने क्या करना है, फाइल में जाके एक न्यू फाइल बनानी है, क्योंकि इसको इस तरह से दिखाना है ना, तो ये देखें शर्ट्स बने हुए हैं इसके ऊपर, फाइल में जाके एक न्यू फाइल बनानी है, उसके बाद आपने उसका साइज़ कितना रखना है, भाई उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, वेब पे जाएं और 1600x1200 रखें, उसको इंचेस में कन्वर्ट करके देखें कितने बन रही है, हाँ ये ठीक है 22x22 इंच का बन रहा है ना 16, इसकी रेजोल्यूशन को आप 100 पे रखेंगे, ओके कर देंगे, ये आपके साथ। अब फाइल में जाके ओपन करेंगे, वहाँ से
पहले इसको क्लोज कर दे जरा यहाँ से, इसको इन फाइल्स को क्लोज कर दे, इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। फाइल में जाके कंट्रोल और करके ओपन करें तो देखें आपकी V1 और V2 फाइल दोनों यहाँ रखी हुई है। क्लिक करेंगे ओके करेंगे, ये आ गए। इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और इधर लाके कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, अल्टर शिफ्ट करके इसको ऐसे करके छोटा करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे, क्लिक करके अप्लाई कर दें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है भाई, अब इसको दिखाना है तो रूलर के ऊपर क्लिक करके एक लाइन यहाँ पे ले लेंगे आप रूलर की और दूसरी लाइन रूलर की ले जाके आप इसकी यहाँ पे रख देंगे। ओके, ये हमने क्यों किया अभी समझ में आएगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट करेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से छोटा करेंगे। ठीक है, मैं दोनों साइड पे बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। वैसे परफेक्ट विड्थ निकालने का भी तरीका है, यहाँ पे इस पे ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ ऊपर की तरफ, ये एक्स वाई और ये विड्थ आ रही है 52% आ रही है, तो यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों हो गए। अब यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब इसमें क्या है कि ये इस साइड है और वो इस साइड है, तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर कार्ड पे क्लिक करके एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, ये देखें एक इस साइड हो गया दूसरा इस साइड हो गया। क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसका ग्रे कलर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो बैकग्राउंड पे ग्रे कलर का एक शेड बनाना है, तो ये तो कोई ग्रेडियंट लेंगे यहाँ से और यहाँ पे एक ले लें कलर सपोज टू बी लाइट ग्रे ले लें और उसके साथ थोड़ा सा एक और कलर ले लें, यहाँ पे क्लिक करके लाइट ग्रे ले लें, डार्क ग्रे ले लें थोड़ा सा, क्लिक करेंगे ओके करेंगे। हाँ, डाल सकते हैं पेन बकेट के जरिए। हाँ, पेन बकेट के जरिए डाल सकते, तो ये देखें इस तरह से। हाँ, इसमें ना इस हिस्से में, हाँ डाल सकते हैं ना, पेंट बकेट से, पेंट बकेट टूल से क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ से क्लिक करेंगे पेंट बकेट से और कलर लेंगे यहाँ से, सपोज तो ये कलर लिया हमने, क्लिक किया और उस पर क्लिक कर दें। शेप है ना अलग है ना, पीएनजी है ना, ये पीएनजी फाइल के जो सेगमेंट बने हुए ना उस पर पेंट बकेट टूल एक सेगमेंट में पूरा कलर भर देता है, उसी को सेलेक्ट करेगा। अब आप इसमें अलग अलग कलर इधर भर दें, वो इधर भर दें और दूसरे के तीसरा तरीके से चौथे तरीके से बनाते चले। हाँ, कौन सा बॉर्डर? नहीं, वो सेगमेंट के हिसाब से है, ठीक है ना, टुकड़े जितने होंगे उसके हिसाब से करेगा। तो ये देखें आपका बन गया इसके ऊपर कार्ड, इसको सेव कर दें, PSD बना दें, PNG बना दें इसकी, टू कार्ड्स। और उसकी PNG बनानी, सेव एज कर दें यहाँ से क्लिक करके। ऑल कार्ड्स, ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा काम।